नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मिर्जापुर हलिया ग्राम पंचायत बसकुड़िया के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई माइक्रो मिशन योजना उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश सरकार के तहत पप्पू उर्फ सुभाष सोनकर निवास ग्राम हलिया पोस्ट हलिया जिला मिर्जापुर निवासी ने अपने जमीन पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लगभग 5 बीघा कुछ विषय में अमरूद पेड़, नींबू का पेड़, करौंदे का पेड़, अनार, केला ₹9 लाख KCC के रूप में कर्ज लेकर के गरीब आदमी ने इस पूरी बगिया की सुरक्षा में लगा दी। इस मिशन के तहत आर्यव्रत बैंक हलिया में कुछ पैसा आया है, लेकिन आज तक बैंक मैनेजर ने उसे फटकार देते हुए कहते हैं, तुम चले जाओ, यहाँ से तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा, तुम्हारे ऊपर कर्जा है। ऐसी स्थिति में बगिया की स्थिति काफी हद तक बिगड़ती जा रही है और ना तो पानी की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में आर्यव्रत बैंक हलिया को तत्काल निर्देशित किया जाए कि यह जो पैसा मिशन के तहत आया हुआ है आर्यव्रत बैंक में, इनको तत्काल पैसा देने की कृपा की जाए। न्यूज़ 9 भारत के लिए सत्य प्रकाश मिर्जियापुर की रिपोर्ट। देखिए, इस वक्त हम हलिया ग्राम सभा और बसकुड़िया ग्राम सभा में खड़े हुए हैं, जो कि श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम से लोगों को ठगा जा रहा है। बिना मतलब का लोगों का पैसा खर्च करा दिया जा रहा है और यहाँ पे इतना गरीब आदमी आ करके इतना पैसा लगा चुके हैं, आज तक 1 रुपये ने तो बैंक मैनेजर दिया है और ना ही इस श्याम प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के तहत इनको 1 रुपये मिला है। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम है सुभाष सोनकर। हाँ, क्या समस्या है आपको? सर, हमारा समस्या तो 4 साल से चल रहा है जी। ये जो प्लांट देख रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो लगाया गया था, हाँ, इनके बड़े अधिकारी ये जो मेवा राम जी सर आए हैं, हाँ, मुझे ऐसा आश्वासन दिए जी, ऐसा समझाए कि तुम यह योजना का लगाइए, इस योजना में तुमको बहुत बड़ा लाभ होगा जी। उन्होंने योजना के तहत हमको लाया सतावर का खेती, जो देखिए हमारी सतावर ये खड़ी है जी, ये जो सतावर हमारी है, हाँ हाँ हाँ, ये 35 महीना की, ये पूरे खेत के अंदर आप देखिए 7 बीघा में सतावर की प्लांट लगी है और ये जामता है, सूखता है, ऐसे ऐसे चल जी रहा। अच्छा, सतावर क्या रेट है, कितने में बिकेगा ये? ये बताए थे, आश्वासन दिए थे कि ये सतावर हमारी जो है 700 रुपये किलो तक की जा सकती है, 350 रुपया किलो तक जा सकती है। तो अभी तक एकाध किलो बेचे कि नहीं आप? मैं इसमें सभी 1 रुपये की बात नहीं किया हूँ जी, जो लगा दिया न तो कोई सरकारी खरीदार आया न कोई इसमें, आज तक 4 साल हो गया महोदया, जो ये हमारी बड़े अधिकारी मेवाराम सर जी हैं जी, इन्होंने आज तक नहीं झांकने आया कि मैं उस पत्थर पर, सारे किसान दाता जमीन पर काम किया है, मैं इस पहाड़ के पत्थर पर काम किया हूँ और इस पत्थर पर यह योजना लाया और इसमें जब लगा कि उन्होंने लगवाने के लिए प्रथम दिन मेवाराम आए थे, अपने हाथ से 5 गो सतावर का पेड़ लगाए थे जी, इनके अधिकारी कर्मचारी आए थे जी, इसके बाद प्रियंका जी भी आई थी जी, ये महोदया जी भी आई थी और इस महोदया जी आई, इनके बाद जब इसमें लेबर लगा कि यहाँ 7 बीघा सतावर को हमने जब लगा दिया जी, और उस लेबर को जब लगा दिया 1-1.5 महीने के बाद हमने पूछा कि सरकार इसमें क्या विधियां हैं, क्या विधि, उन्होंने बताया कि सुभाष सर प्रथम इस योजना में, इस इतना बड़ा प्लांट लगने में जी, तुम्हें सम्मेलन मेला में चलना पड़ेगा, हम क्या साहब चलेंगे जी। जब मेलन सम्मेलन करा गया था तो हम मेलन सम्मेलन में गए थे माननीय अनुप्रिया जी के हाथों, हमने सतावर का चिन्ह ग्रुप पाया जी, और उस सतावर का ग्रुप पाया और यह बताया कि मैं 7 बीघे में सतावर लगाया था जी, और 7 बीघे में सतावर जब लगाया किसी तरह जब आया, इसके बाद ये पौधा आप देख रहे हैं सागवान का, हाँ हाँ, ये बारी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।